साथियों जय किसान, मैं रवि आज़ाद। आप सबको पता है कि 4 जुलाई को सिंगू बॉर्डर पे संयुक्त किसान मोर्चा की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, और साथियों उस मीटिंग में तय हुआ जो आपके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे कि पहले से ही, चाहे वो किसी भी दल का कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि हो, हमारे सभी मोर्चों के मंचों पे, सभी टोलों के मंचों पे और धरनों के मंचों पे उनको मंच नहीं दिया जाता, उनको माइक नहीं दिया जाता। लेकिन अब विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, जो मीटिंग में तय हुआ है कि चाहे वो कोई निर्दलीय विधायक हो, चाहे वो कोई एमपी हो निर्दलीय, और चाहे वो कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो और चाहे मंत्री हो, ये सीधे तौर पर फैसला हुआ है कि इनको आंदोलन के किसी भी मंच पे, इनको टोल के किसी भी मंच पे या किसी भी धरने के मंच पे इनको मंच नहीं मिलेगा, माइक नहीं मिलेगा। एक तो महत्वपूर्ण फैसला साथियों ये हुआ है, और हमें इस पर विशेष रूप से ध्यान भी देना। दूसरा फैसला ये हुआ कि कोई भी संयुक्त किसान मोर्चा का नेता, चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो दलीय हो और चाहे वो निर्दलीय हो, और चाहे वो एमपी और चाहे वो एमएलए हो, उनको जो है उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा का कोई भी नेता अब मंच साझा नहीं करेगा रैलियों में या महापंचायतों में, पंचायतों में। तो आपसे मेरी सबसे ये निवेदन है कि जो ये दो फैसले हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, इन दोनों फैसलों को धरातल पर लागू करें। सभी संगठनों से, सभी आंदोलनकारी भाई बहनों से, युवा साथियों से अपील है कि इन फैसलों को ज़रूर लागू करें, ताकि संयुक्त किसान मोर्चा की जो गरिमा है, संयुक्त किसान मोर्चा का जो सम्मान है, और जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ आज पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान आँख उठा करके देख रहा है, उसके सम्मान के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। हरियाणा वाले भाई भी और दूसरे प्रदेशों के साथी भी इस बात के ऊपर ज़रूर गौर करें कि ना इनको मंच मिलेगा, चाहे वो दलीय हो चाहे वो निर्दलीय हो, और ना संयुक्त किसान मोर्चा का कोई नेता इनके साथ मंच साझा करेगा। ये एक महत्वपूर्ण फैसला, एक महत्वपूर्ण सूचना जो आपको देनी थी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब साथियों तक पहुँचाएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय किसान, जय हिंद साथियों।